नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेकवर्ड यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आपने रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो उसका स्टेटस आ चुका है, तो आप उसे कैसे अपने मोबाइल में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं खुद से, तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि पाए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लिया, तो इसके बाद यहाँ पर चलते हैं सीधे अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको यहाँ पर टाइप करना होगा RRB भोपाल .gov.in। तो सिर्फ आपको इतना टाइप करना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट या न्यू अपडेट आती रहेगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या न्यू अपडेट आया है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पर हम पेज को जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर हम जूम करने के बाद यहाँ पर ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर लिखे क्लिक हेयर CNRRC 1/2019, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जूम करते हैं, यहाँ पर लिखे 24/7, तो यहाँ पर 24 तारीख को ही आ चुका था, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पर आज हमने वीडियो बनाया, तो यहाँ पर सेकंड में ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर टू लॉग इन टू वी एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर जो आपने अपनी एप्लीकेशन या जो आवेदन किया था तो उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट अप्लाइड RCC। तो यहाँ पर आप जिस राज्य सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर जहाँ से आप अप्लाई किए थे अपना आवेदन वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा इलाहाबाद है तो हमने यहाँ से इलाहाबाद सेलेक्ट किया। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन संख्या इंटर कर दिया। अब यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम डेट ऑफ बर्थ अपना इंटर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से ईयर, तो यहाँ से ये सब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड आपके मोबाइल में दिखेगा, तो यहाँ से कैप्चा कोड इंटर कर लेना पड़ेगा। तो उसके बाद अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन, तो आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नेम लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपका आवेदन हुआ है तो आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ सही है, तो यहाँ पर इसलिए हमारा अभी सिर्फ इतना ही हुआ है। आगे जो अपडेट होगा तो यहाँ पर स्टेटस में शो होता रहेगा, तो आप अपना चेक करते रहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपना RRB का ग्रुप डी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो से संबंधित कोई समस्या तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के।